हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाइज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज टुडे तो 18 दिसंबर है और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करना है सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ईएमसी से जुड़ा हुआ है देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर एंड आंध्र प्रदेश इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट जो कि इस क्लस्टर को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं इंडिया में एंड दो हज़ार में जो मिट्टी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया में एक ऐसा सेटअप बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की तरह होगा एंड इसके लिए ग्रांट एंड एड्स भी देने की बात की गई थी तो ई होता क्या है इट इज़ अ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स एंड द एलाइड्स प्रोडक्ट्स तो ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं मोबाइल उन सब चीज़ों के लिए उसको मैनुफैक्चर करने के लिए फैसिलिटी uh, प्रोवाइड की जाती है इस क्लस्टर में तो इसको लाया गया है मतलब आप इसको मे, जो मेक इन इंडिया है उन सब से भी जोड़ सकते हैं कि इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप uh, की तरफ बहुत जाने की कोशिश कर रहा है तो उसका ये एक एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट न्यूज़ है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहले भी डिस्कशन हो चुका है इस पर हम एक ओवरव्यू ले, लेते ले ले हैं देखिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान आया था इसको लॉन्च किया गया था प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूलिंग को अपग्रेड करने के लिए लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान वैसे ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लाया गया था सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए यानी कि सेकेंडरी स्कूलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और सेकेंडरी स्कूलिंग बच्चों तक पहुँचे इसके लिए इसको दो में लाया गया था और फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा पूरा सेंटर का था स्टेट को uh, इसके इसके पूरे सेटअप के लिए तो इसमें कई सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ दी गई थी जैसे कि क्लासरूम लैब्स आर्ट रूम्स टॉयलेट ब्लॉक्स ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ तो कुछ इस तरीके की एडवांस चीज़ें इसमें दी गई थी कुछ और फीचर्स इसके हैं जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्हांस द एनरोलमेंट एट सेकेंडरी स्टेज तो सेकेंडरी लेवल मतलब आपको पता है कि प्राइमरी लेवल के बाद जो सेकेंडरी लेवल आता है हाई स्कूल जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था एंड uh, इसमें यानी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई बच्चों को इसका इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो स्कूल होगा वो घर से बहुत पास होगा मतलब बहुत डिस्टेंस पे नहीं होगा एक रीजनेबल डिस्टेंस पे होगा ताकि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ पाएं और रीजनेबल होगा तो लोग स्कूल तक अपने बच्चों को भेजेंगे बेहतर तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है 2020 तक का टारगेट है कि जो सेकेंडरी लेवल पे स्कूलिंग को और बेहतर किया जाए इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो देख लेते हैं मिनिमम लेवल ऑफ़ एजुकेशन जो क्लास टेंथ एंड द यूनिवर्सली यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू द सेकेंडरी एजुकेशन तो पहला तो क्या है कि जो मिनिमम मिनिमम लेवल तक का एजुकेशन होता है क्लास टेंथ तक का टेंथ पास स्टूडेंट होने चाहिए इसका पहला ये उद्देश्य है दूसरा है टू इंश्योर गुड क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटीज़ को भी इन्हांस करना इसका उद्देश्य है जैसे कि फ़ोकस करना साइंस पे मैथमेटिक्स पे इंग्लिश पे मतलब कुछ जो नॉर्मल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक टम्परमेंट को डेवलप करना इंग्लिश को डेवलप करना इसका उद्देश्य रहेगा तीसरा है टू रिड्यूस द जेंडर सोशल एंड रीजनल गैप्स यानी कि जब एनरोलमेंट्स बढ़ेंगे ड्रॉप आउट्स कम होंगे तो क्या होगा जो सोसाइटी है वहाँ पे एक सोशल रीजनल और जेंडर गैप भी तो कम होगा क्योंकि अगर रीजनेबल डिस्टेंस पे स्कूल है तो वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने जा पाएंगी और लड़के पढ़ने जा पाएंगे तो लोग क्या होगा स्कूल में भेजना चाहेंगे अपने बच्चों को तो इसका मेन उद्देश्य वो भी है

वो इस बिल को पास कर देगी तो हालांकि देखते हैं इसमें क्या हो, होता है इसका बैकग्राउंड देखिए 1996 में इसको पेश किया गया था वुमेन रिजर्वेशन बिल को एच डी देवे गौड़ा के टाइम पे उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको लॉन्च किया था और उस वक्त से ही ये आ, पेंडिंग में चला आ रहा है तब से ये पास नहीं हुआ है जहाँ पर भी हमने वन अमेंडमेंट पास कर दिया है जी एस वहाँ पर ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये वन अमेंडमेंट बिल है जो कि अभी तक पेंडिंग में है इसका मतलब है कई सालों से उस पर बात चलती आ रही है बट अभी तक बात बन नहीं पाई है और इसका मेन क्या कारण है इसमें मतलब क्या इसके फीचर्स हैं इस बिल के वो ये हैं कि इसमें महिलाओं को 33 परसेंट रिजर्वेशन देने की बात कही जा रही है और कहाँ कहाँ पर यानी कि सेंट्रल लेवल पर भी यानी लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली में भी महिलाओं को आरक्षण मिले तैतीस परसेंट यही इसका उद्देश्य है तो आपको पता होना चाहिए कि सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जो हुआ था जो कि पास हुआ था नाइन्टीन नाइन्टी थ्री में उसमें महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज लेवल पर ठीक है तो इसका कुछ फीचर्स देख लीजिए कुछ हाईलाइट्स बिल के सबसे पहले आपको याद रखना है कि वन ज़ीरो एट अमेंडमेंट बिल है ये वन थर्ड ऑफ ऑल सीट्स याद रखिए वन थर्ड ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में रिजर्व करने की बात कही जा रही है इसका कुछ और उद्देश्य क्या है द एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एज प्रस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट एंड द लास्ट वन द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन शैल सीज टू एग्जिस्ट एग्जिट फिफ्टीन ईयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट तो देखिए अब रिजर्वेशन बिल अगर ये वाला पास हो जाता है तो महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा लोकसभा में और स्टेट असेंबली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मेंस में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और हो सकता है कि प्रडम्स में भी आ जाए तो ये जो अमेंडमेंट वगैरह है ये सब याद रखेंगे सो द नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव इज अ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने इस प्रोग्राम को नॉग्रेट किया है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रोग्राम है याद रखेगा तो सेंडाइफ फ्रेमवर्क आया था डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको अलग से पढ़ना भी है तो 2015 से 2030 तक का ये टारगेट है कि जितने भी डिज़ास्टर से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं तो उसका किस तरीके से मिटिगेशन होना है या एड्रेस करना है उसको उसकी बातचीत हो पाए तो इट इज़ द तो फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट टू द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा और ये एक ऐसा पहला एग्रीमेंट बना जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कम करने के लिए इसको बनाया गया इसमें एक्शन प्लान्स बनाए गए एंड ये जो अभी प्रेजेंट में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम हो रहा है ये तीन दिन का प्रोग्राम है और इसको जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो नेशनल सॉरी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनके साथ मिलकर के इनके साथ कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू रखें अगर प्रॉब्लम्स में पूछ लिया जाए तो बताना है कि ये किस चीज़ से एसोसिएटेड था तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड था और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए सारी बात की गई इसमें उसको उसके रिडक्शन के लिए बात की जाने जाने वाली थी तो याद रखिए कि उसी के आधार पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और एक और बात यह है कि इंडिया बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू तो अलाइन इट्स नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान विद द एस एफ डी आर एफ तो जो भी ये संडाई फ्रेमवर्क था उससे रिलेटेड इंडिया ने अपना एक पहला नेशनल प्लान बनाया कि डिजास्टर मैनेजमेंट से किस तरीके से लड़ा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इस पर इस बार औखी साइक्लोन भी आया है तो हो सकता है कि मेन्स में क्वेश्चन बनेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर डिटेल में हम चर्चा आगे भी करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है डब्ल्यू एच ओ हैज़ डिक्लेयर्ड गेबॉन अ पोलियो फ्री कंट्री तो डब्ल्यू एच ओ ने अभी गेबॉन को पोलियो फ्री कंट्री कहा है तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि गेबॉन कहाँ पर है इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है तो देखिए गिबॉन ये अफ्रीका में है और साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ है यहाँ पर और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इक्वेटर पर है यानी कि हमारे लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जोग्रफी में एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इक्वेटर yeah, पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं सिचुएटेड और कैप्रिकॉन पे कौन कौन सिचुएटेड है तो ये तीनों लाइने लाइनों पे जो आने वाली कंट्रीज़ हैं उनका नाम हमें याद रखना होता है इसके लिए कुछ कोड्स आप बना सकते हैं और ये जो गेबॉन है ये इक्वेटर पे है इसको याद रखिएगा और अभी रिसेंटली इसको पोलियो फ्री घोषित भी किया गया है ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट टू थाउजेंड एटीन रिपोर्ट तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालती है तो ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस रिपोर्ट को निकाला जाता है इसको अभी लॉन्च किया गया है 2018 का ये रिपोर्ट आया है एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट टू थाउजेंड एटीन द करेंट माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफर पॉलिसी मेकरस ग्रेटर स्कोप टू एड्रेस सम ऑफ द डीप रूट इशूज तो इस, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो uh, जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उसके क्या पॉलिसी मेकर्स क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए उसकी बात की जाती है इसमें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है टू थाउजेंड थर्टीन तक का जो अचीवमेंट uh, करने का जो प्लान है उसके लिए इसमें कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छे से उस गोल को अचीव किया जा सकता है एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन टू थाउजेंड सेवनटीन द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ रीच्ड थ्री परसेंट द हाइस्ट ग्रोथ इन टू थाउजेंड अलेवन मतलब दो हज़ार ग्यारह के बाद जो वर्ल्ड है वो अभी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है ग्रोथ की बात की जा रही है इसमें तो याद रखिएगा ये जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है इसमें जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं इसको एक बार पढ़ लें ज़रूर आप नेक्स्ट न्यूज़ है द लेगेटम प्रोस्पैरिटी इंडेक्स टू तो देखिए इंडिया ने भी इस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ये जो रैंकिंग है द लेगेटम प्रोस्पैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जो है सॉरी जो इंडेक्स है टू का इसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अपने रैंक को अपग्रेड किया है एंड राइजिंग ट्रेंड्स इन इंडियाज़ प्रोस्पैरिटी A significant in the view of the fact that India registered lower economic growth following demonetization and implementation of goods and service tax reform in 2017. तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले एक साल में इंडिया ने कई सारे बदलाव किए हैं अपने यहाँ पे जैसे कि एक तो डिमोनाटाइजेशन था जो कि बहुत बड़ा स्टेप था किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है फेलियर हो सकता था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके साथ साथ उसी साल आ, मतलब उसके कमिंग ईयर में ही जी का इम्प्लीमेंटेशन तो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म होने के बावजूद भी इंडिया बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है तो इसमें भी उन्होंने अपग्रेड किया है तो याद रखिए इसको एंड द इंडेक्स ऑफर्स द इनसाइट इनटू द हाउ इज फॉर्मिंग एंड चेंजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड तो अभी इंडिया सॉरी रैंक्स इंडिया हंड्रेड ऑन द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेरस कंट्रीज अमंग 149 कंट्रीज़ तो इंडिया का भी जो नंबर है वो uh, सौवें नंबर पर है अमंग uh, 149 फोटी नाइन कंट्रीज विच इज़ क्वाइट गुड एंड द परफॉर्मेंस ऑन द नाइन पिलर्स तो नाइन पिलर्स के बेसिस पे ये इसका रैंकिंग होता है कौन कौन सा है वो इकोनॉमिक क्वालिटी बिजनेस इन्वायरमेंट गवर्नेंस एंड पर्सनल फ्रीडम सोशल कैपिटल सेफ्टी िटी एजुकेशन हेल्थ एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये सारे मेजर्स हैं नाइन पिलर्स हैं इसके जिसपे पूरा रिपोर्ट ये जो इंडेक्स है वो निकाला जाता है तो द लेगेटम प्रोस्पैरिटी इंडेक्स टू सेवनटीन याद रखेगा कि इंडिया इसमें अपग्रेड हुआ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर अभी हमने बहुत मीन कुछ दिन हो चुके हैं इस क्वेश्चन इस टॉपिक को डिस्कश किए हुए तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज स्टेटमेंट है इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी अंडर द रिव्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड केम इनटू द फोर्स ऑफ इन 1987। तो पहला स्टेटमेंट आपको बताना है सही है या गलत है दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी तो दोनों ही स्टेटमेंट में आप बताएंगे चूंकि हमने इसको पहले डिस्कस किया है तो हो सकता है कि आप भूल गए होंगे तो एक बार इसका रिविजन करें और फिर इसका आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट अबाउट कीवी कीवी की हमने बात की थी आ, आपको अगर याद हो तो उसका पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज़ ओनली फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आप इसका आंसर करेंगे राइट और नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है उमंग यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप इज लॉन्च बाय तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोजेक्ट सक्षम सारे क्वेश्चंस पहले के हैं आपको अगर याद हो तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है जो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट सक्षम के बारे में इन्फॉर्मेशन है आप इसका सही आंसर बताएंगे कि क्या होगा एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यू एल बी स्कीम राइट यू एल बी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से यू एल बी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है एम्पलीमेंट किया जा रहा है तो यू एल बी स्टैंड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज तो आप इसका आंसर बताएंगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली दत्ता महेंद्रगिरी गेको वॉज इन न्यूज तो ये जो दत्ता महेंद्रगिरी गेको है ये कौन से रीजन में पाया गया है ये आपको बताना है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्लोबल एंटरप्रेनियरशिप समिट जी ई एस जी ई एस सर्व एज अ वाइटर लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट टाइम जी ई एस वॉज ऑर्गेनाइज इन न्यू डेली इन इंडिया तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है ये भी आपको बताना है एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन है और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसमें आज आप उसका आंसर देख करेंगे क्वेश्चन रिपीटेड हैं पहले पूछे गए थे वही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं आज तो आप इसको ज़रूर उसका आंसर करेंगे ठीक है और नोट्स जरूर बना लें एंड थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मे हैव एंड फॉर वॉचिंग